Lightroom प्रीसेट का यूज करके ऐसा सीवी एडिटिंग। हाय गाइज, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू पवित्र फोटोग्राफी। गाइज, आज मैं देने वाला हूँ एक Lightroom का प्रीसेट जिसका यूज करके आप इस टाइप का सीवी एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रही हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको Lightroom ऐप को ओपन करना होगा। उसके बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको यहाँ पे प्रीसेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ से जाके इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका फ़ोटो में मतलब सीवी एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉपी सेटिंग। कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे राइट कर देना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपका ओरिजिनल फ़ोटो में आके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको कर देना होगा सिंपली पेस्ट सेटिंग। देख सकते हो सीवी एडिटिंग जैसा थोड़ा सा एडिटिंग हुआ है। ठीक है, मतलब कपड़ों में जो चमक है वो थोड़ा सा आया है, लेकिन थंबनेल में जैसे दिखाया था ऐसा एडिटिंग नहीं हुआ। तो ऐसा एडिटिंग करने के लिए आपको सिंपली इस फोटो को लेकर चलना होगा स्नैपचैट के अंदर। ओके, तो गाइस स्नैपचैट पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेन वाला एक आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको सिंपली क्लिक करना होगा ट्यून इमेज पे। ट्यून इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करके बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सैचुरेशन को फुल कर देना होगा। सैचुरेशन को फुल करने के बाद एम्बियंस को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट को थोड़ा सा डाउन और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद शैडोज को मतलब थोड़ा सा डाउन कर देंगे, उसके बाद राइट कर देंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके व्यू एडिट्स पे क्लिक करने के बाद आपको ट्यून इमेज पे क्लिक करके देन आपको ब्रश को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फेस के ऊपर जो कलर आया ना, ठीक है, तो मतलब देख सकते हो ऑरेंज सा हो गया। तो इसको जल्दी से हम रिमूव कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना होगा। ठीक है, बैक आ जाना होगा। उसके बाद आपको फिर से पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट टिप को क्लिक करना होगा। सिलेक्ट टिप को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी डार्क एरिया है, मतलब फेस का जो डार्क एरिया होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे ब्राइट कर लेंगे। ठीक है, और सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। उसके बाद हैंड पे भी कर लेना होगा। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना होगा। देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा वाइट हो गया। तो अभी भी एक काम बाकी है, फिर से आपको पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके ट्यून इमेज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फिर से सैचुरेशन को फुल करना होगा। सैचुरेशन को फुल करने के बाद फिर से आपको डन करना होगा। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके व्यू एडिट्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ट्यून इमेज दिख जाएगा, उसके बाद ब्रश। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे ही क्लिक करना होगा इन्वर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रश का साइज को देख लेना यहाँ पे। ठीक है, इसको मतलब जीरो कर देना। जीरो करने के बाद फेस के ऊपर फिर से कुछ इस टाइप से चला लेना होगा। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली राइट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा और देख सकते हो गाइस फोटो कितना ऑसम लग रहा है। पहले कुछ ऐसा था, अब ऐसा हो गया।
तो फोटो को सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फोटो सेव हो जाएगा आपका गैलरी में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।